In this video lecture, I will talk about how to write a semantic rule for array type expression. So, अगर हम C language की बात करें तो इस तरह से अगर मैं array को declare कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि array of 2, array of 3 integer. So, अगर मैं इसे declaration format में लिखना चाहूँ, array type expression में लिखना चाहूँ, तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा array of 2, array of 3 of type integer. So, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो एक CFG लिखनी है जो कि कुछ इस टाइप एक्सप्रेशन जो है तरह का मुझे फॉर्मेट दे, जो है इसकी एरे बनाए. फिर मुझे सिमेंटिक रूल्स इस तरह से लिखने हैं कि जब मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो फाइनली जो मेरे पास फॉर्मेट बने वो इस तरह का बने. सो लेट्स सी कि ये जो है किस तरह से हम जो है रूल लिखेंगे. लेकिन रूल लिखने से पहले वी नीड अ CFG. सो लेट्स राइट अ CFG फॉर दैट. सो CFG अगर मैं कहूँ तो इफ आई हैव अ एरे टी, देन मैं कह देता हूँ कि बी एंड सी. सो बी कंपोनेंट में हम क्या लिख देंगे, इसकी टाइप आ जाएगी. लेट्स सपोज वी कैन राइट इट एज इंटीजर और यू कैन राइट इट एज फ्लोट और स्ट्रिंग, जो भी आपके पास टाइप आ गए. सो मैं जस्ट जो है इंटीजर और फ्लोट की ही बात करूँगा यहाँ पे. एंड देन सी मेरे पास क्या है, सी मेरे पास एक फॉर्मेट है, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि आई हैव सम नंबर, यहाँ से मुझे लेक्स वैल्यू मिल जाएगी. एंड देन आई राइट C1. अब इसमें C1 क्या है, सी जस्ट आपके पास क्या, ये वन इज अ सब्सक्रिप्ट जो कि पेरेंट एंड चाइल्ड को डिफरेंशिएट कर रहा है, और ये रिकर्सिवली मैंने कॉल कर लिया. अब इससे आप वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, एन डायमेंशनल एरे आप इसे क्रिएट कर सकते हो. तो कुछ इस तरह की CFG हमारे पास होगी. लेट्स ड्रॉ अ पार्स ट्री फॉर दिस प्रॉब्लम और हम देखते हैं कि क्या ये हमने ठीक लिखा है या नहीं. सो लेट मी ड्रॉ अ पार्स ट्री. टी इम्प्लाइज बी एंड सी. सो बी से आई विल गेट अ इंटीजर और सी से मुझे क्या मिलेगा जी, सी से मुझे मिलेगा नंबर. सो आप इसके डेरिवेशन के लिए यू कैन राइट थ्री थिंग्स एज इट एंड देन C1, एंड C1 से मुझे क्या मिलेगा, अगेन आई कैन राइट नम सी एंड आई कैन डिराइव अ नल फ्रॉम हेयर. यहाँ पे एक और चीज़ जो है ये समझने वाली है कि जब हम इस लेवल पे होंगे तो दिस थिंग इज बिहेविंग एज अ पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड. सो आफ्टर सम टाइम जब आप इस ट्री में नीचे जाओगे तो नाउ दिस इज चाइल्ड एंड दिस इज बिहेविंग एज अ पेरेंट. तो जब हम इसे पार्स करेंगे, लेट्स सपोज हमने इसे पार्स किया. So after parsing we get an integer, we get this array type structure. तो इससे हमें ये array type expression हमने यहाँ से generate कर लिया. अब बात करते हैं इसकी rules की और rules को define करते हैं. So अगर देखा जाए तो we need integer in the bottom. तो इससे हमारे पास होगा क्या, मैं rules को ज़रा जल्दी से बताऊं कि ये इंटीजर जो है बेसिकली, ये इंटीजर आपको सी को इनहेरिट करना पड़ेगा बी से. जिसका मतलब है कि यहाँ पे सी पे कोई किस तरह का रूल होगा, सी डॉट आई इज इक्वल टू बी डॉट टाइप. ठीक है, बी डॉट टाइप आपके पास यहाँ से सी पे आ जाएगा. तो ये इंटीजर यहाँ पे आ गया. अब ये इंटीजर जब यहाँ पे आ गया तो ये मुझे पास ऑन भी करना है कि लाइक जितने भी नीचे मेरे पास चाइल्ड्स आ रहे हैं वो इस चीज़ को इनहेरिट करें. तो c1.i इज इक्वल टू c.i. अब इससे क्या होगा कि पहले ये इंटीजर यहाँ पे आएगा, फिर ये इंटीजर इससे नीचे चला जाएगा, फिर ये इंटीजर इससे नीचे चला जाएगा. सो इंटीजर को हम लास्ट पे ले गए. अब लास्ट पे जाके जहाँ पे हमारे पास c इज़ इक्वल टू नल आ रहा है, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अब इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करना शुरू करना है. तो क्रिएट मुझे कैसे करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो मुझे ये पता चल जाएगा कि दिस इज़ एंड ऑफ माय
ट्री। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी डॉट सिंथेसाइज इज इक्वल टू सी डॉट आई। इसका मतलब है कि टाइप मैं जहाँ तक मुझे लेके आना था मैं उसे ले आया हूँ, अब मुझे उसे ऊपर प्रोपोगेट करना। और जब मैं बात करूँगा जो है रिडक्शन की, इसका मतलब ये है कि अब मैं इस लेवल पे, लेट मी हाईलाइट दैट, मैं अब इस लेवल पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ से मुझे रिडक्शन करनी है। और फर्स्ट चीज़ जो मुझे रिड्यूस करनी है वो क्या करनी है, थ्री इंटीजर ऑफ एरे। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से वैल्यू थ्री मिल जाएगी, यहाँ से मुझे इंटीजर मिल जाएगा, इसके सिंथेसाइज में पड़ा होगा, और मुझे एक स्ट्रक्चर सा पास ऑन करना है। सो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। इसका दूसरा रूल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो वो मेरे पास क्या होगा जी, वो होगा सी डॉट एस। ठीक है, सी डॉट एस इज इक्वल टू एरे ऑफ, ये जो फॉर्मेट हमारा एरे ऑफ, अब एरे ऑफ यहाँ पे मैं जो भेज रहा हूँ, फर्स्ट चीज़ वो मैंने भेजनी है नम डॉट वैल्यू। सो नम डॉट वैल यहाँ से आ गई, इसका मतलब है ये जो भी ये नंबर होगा इसकी वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी। और सेकंड आर्गुमेंट वेरी केयरफुली मैं इसमें क्या भेजूंगा जी, वो मैं भेजूंगा सी सी वन डॉट एस, इससे नीचे जो सिंथेसाइज वैल्यू है उसे मैं भेज दूंगा। और यहाँ पे जो मेरे पास सी डॉट सिंथेसाइज वैल्यू है वो तो ऑब्वियसली ये रेफर कर रही है, सो ये मैं ऊपर भेज दूंगा। सो दैट्स हाउ आई क्रिएट। अब यहाँ पे आई नो के बी डॉट टाइप में मेरे पास क्या आ जाएगा, आई गेट इंटीजर। बी डॉट टाइप में गेटिंग फ्लोट, ठीक है जी। सो बी डॉट, सॉरी बी डॉट टाइप में गेटिंग फ्लोट। सो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, ये जो मैंने रूल्स लिखे हैं इससे आपके पास क्या होगा जी, इससे ये होगा कि पहले तो इंटीजर यहाँ जो बॉटम पे आएगा, फिर एक एरे टाइप स्ट्रक्चर बनने लग जाएगा यहाँ से, और फाइनली जब हम ऊपर पहुँच जाएंगे ऑन अपर लेवल यहाँ पे, तो यहाँ मैं कह दूंगा कि टी डॉट एस इज इक्वल टू सी डॉट एस, के सी की जो टाइप एक्सप्रेशन बन चुका है भाई ये वाला, वो आप टी को साइन कर दो। सो लेट्स ड्रॉ अ पार्स ट्री और इस पे हम देखते हैं कि ये सारी चीजें किस तरह से वर्क करेंगी। सो फाइनली ये हमने रूल्स को नीट करके लिख लिया। अब इसमें जब हमारे पास ट्रांसलेशन होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, टी से यहाँ बॉटम से अप जाएंगे, टी की वैल्यू इंटीजर आ गई। अब जैसे ही इस लेवल को पहुंचेंगे तो हमारे पास ये जो बी डॉट टाइप है वो टी डॉट आई को अपनी इंटीजियर वैल्यू पास करेगा। जब उसने पास कर दी तो हम इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। जैसे ही हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला रूल फायर हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है जी, आपके पास जो पेरेंट का इंटीजियर का है वो एक्सप्रेशन, जो इंटीजियर की वैल्यू है वो नीचे पास ऑन हो रही है। सो फाइनली हम जब रूट लेवल पे पहुंच के, तो रूट लेवल पे पहुंचने के बाद हमने ये देखा कि ये इंटीजर जो है पहले इनहेरिटेड था, अब ये सिंथेसाइज बन गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस सिंथेसाइज को यूज करते हुए, इस नम वैल्यू को यूज करते हुए वी क्रिएटेड अ एरे टाइप एक्सप्रेशन। और जब ये एक्सप्रेशन हमने बनाया तो वी गेट दिस थिंग एज अ रिजल्ट। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो हम जो यहाँ पे सिंथेसाइज वैल्यू है इसी को हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं ये वाले पोर्शन में, तो क्या होगा, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन बना है ये ऊपर पास ऑन हो जाएगा, एंड वी फाइनली गेट दिस एज अ एक्सप्रेशन। और फाइनल ट्रांसलेशन पे जब वी गेट ऑन द टॉप लेवल, तो वी गेट दिस होल एक्सप्रेशन ऑन टी डॉट एट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द एरे टाइप एक्सप्रेशन सिमेंटिक रूल फॉर्मेशन एंड इट्स ट्रांसलेशन वाया पार्स ट्री। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।